नमस्कार, एडियन सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिंह। 12 फरवरी 2016 को बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा की हत्या जमीन के लिए की गई थी। इस बात का खुलासा शनिवार को गिरफ्तार विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश मिश्रा ने की। जी हां, सोनबरसा के बधार की 80 एकड़ जमीन को लेकर विशेश्वर ओझा और ब्रजेश मिश्रा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके कारण ब्रजेश ने उनकी हत्या कर दी। इस बात की जानकारी भोजपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। 12 फरवरी 2016 को बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा की हत्या जमीन के लिए की गई थी। इस बात का खुलासा शनिवार को गिरफ्तार विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश मिश्रा ने किया। जी हाँ, सोनबरसा के बधार की 80 एकड़ जमीन को लेकर विशेश्वर ओझा और ब्रजेश मिश्रा के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जिसके कारण ब्रजेश ने उनकी हत्या कर दी। इस बात की जानकारी भोजपुर एसपी आदित्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कही। विशेश्वर ओझा हत्याकांड के बाद एक के बाद सनसनीखेज हत्याओं में शामिल 50,000 के इनामी मोस्ट वांटेड ब्रजेश मिश्रा को पुलिस ने उसके गांव शाहपुर के सोनबरसा बधार से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ब्रजेश मिश्रा के पास से पुलिस ने एक 9mm पिस्टल, एक देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस और 4 खोखा भी बरामद किया। इस बात की जानकारी देते हुए भोजपुर एसपी आदित्य कुमार ने बताया कि शाहपुर के दियारा क्षेत्र का मोस्ट वांटेड और कुख्यात ब्रजेश मिश्रा की सोनबरसा गांव में एक मकान में आने की जानकारी पुलिस को मिली थी। बाद भोजपुर पुलिस के एएसपी अभियान डीआईयू टीम और जगदीशपुर एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए कुख्यात ब्रजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। एसपी के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान ब्रजेश और उसके साथ मौजूद उसके छोटे भाई किशुन मिश्रा और अन्य एक पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने ब्रजेश मिश्रा को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। भोजपुर एसपी के मुताबिक फरार किशुन मिश्रा के पास अत्याधुनिक कार्बाइन भी थी, जिसे लेकर वह भागने में सफल रहा। गौरतलब है कि 12 फरवरी 2016 बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा की सोनबरसा बाजार में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जमीन के विवाद बताए थे इन्होंने कि जमीन का इन लोगों का चलता था, तो गांवों के बीच में वर्चस्व के बीच में जमीन की लगभग 80 एकड़ के आसपास की जमीन है वहाँ, जिसकी खेती को लेके इनका पहले से ही विवाद चलता था, तो उसी वर्चस्व के कारण ही इन्होंने इसकी हत्या की। सर बताया जाए, सर एक पुलिस को सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता। जी, जब मैंने भोजपुर ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने एक सूची बनवाई थी, सूची के आधार पर हम लोगों ने टारगेट किया था इसको, ब्रजेश मिश्रा को। ये भोजपुर जिले का 50,000 का इनामी था, जो विभिन्न कांडों में फरारी था। इनमें से मशहूर है कि 2016 में एक कांड हुआ था 48/16, जिसमें भाजपा नेता विशेश्वर ओझा की हत्या की गई थी। उसके बाद उसी केस में एक गवाह थे कमल किशोर मिश्रा, उनकी भी हत्या विगत कुछ दिनों पहले ही की गई थी। उसके बाद से फरारी था, ये लगभग पिछले 2.5 साल का फरारी था। इस पर इसी टाइम के दौरान लगभग 50,000 का रिवॉर्ड हुआ। एक गुप्त सूचना मिली थी मुझे कि ये अपने घर के पास कहीं आया हुआ है, उसका सत्यापन कराया गया। उस पर एक टीम एएसपी अभियान के नेतृत्व में करी गई, उसमें सर्कल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिन्हा, राजीव कुमार प्रभारी डीआईयू, जनेंद्र भारती एसएचओ करनामेपुर, रविंद्र कुमार, मनिंदर कुमार थानाध्यक्ष शाहपुर, ये सब लोग थे। इन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया। एएसपी अभियान को और एसएचओ को ही केवल मालूम था हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों को घेराबंदी की गई। जैसी घेराबंदी करी तो अंदर से एक पहले एक गलत घर की तरफ चले गए थे, उसके बाद जब जैसी सही घर में एंटर करी तो वहाँ पे अंदर से फायरिंग होने लगी। फायरिंग में 3-4 गोलियाँ उधर से चलाई गई और चलाते हुए भागे गए 3 लोग थे, एक कार्बाइन के साथ, एक इसका भाई था और एक और आदमी था कुंदन यादव और एक किशुन मिश्रा जो उसका अपना सगा भाई है, और ये भागने लगे फायरिंग करते हुए। पुलिस ने भी जवाबी राउंड में 2-3 गोलियाँ फायर करी। उसी क्रम में ये आगे घबराहट में ये आगे गिर पड़ा और इसमें पूरी साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरी टीम ने इसमें कार्य किया है और जाके इसको दबोच लिया। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपने अन्य साथियों के भी नाम बताए, कुछ हथियारों की भी सूचना दी थी, हम
लोगों ने रेड कराई, परंतु वो कल हटा दिए गए थे। आज फिर हम लोग टीम निकालेंगे, संभवतः और भी हथियार इसमें रिकवर होंगे। इस ग्रुप के पास अपनी कार्बाइन है, 315 की राइफल है जो अभी, और 3-4 देसी पिस्टल है और एक 9mm पिस्टल है। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य किया है DIU ने, और हम लोग इसमें इसको करके स्पीडी ट्रायल में इसका केस चल भी रहा था, तो हम लोग न्यायालय से भी बात करेंगे इसमें कि जल्दी से जल्दी इसको सजाओ। इसका भाई जो है पहले से ही, भाई और बाप पहले से ही जेल में है।